दोस्तों कैसा हो सोला आज आपका स्वागत है मोटो ब्लेस कॉट ऑफ जोली एपिसोड नंबर 38 में। चाचा ये सबेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? दोस्तों ये जो आउट ऑफ डेट चली एपिसोड नंबर 37 है, मैंने वीडियो के आगे कुछ डाला है मैसेज, उसकी वजह से मैं ये सबेरे को मैं डालूंगा, बिकॉज शाम को ये अपलोड हुआ था मुझे पता है, और इसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आपको सबेरे ये एपिसोड दूंगा। फिर से सॉरी, मेरा कोई इश्यू नहीं था, टेक्निकल इश्यू था, तो उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों अभी न्यूज़ स्टार्ट करते हैं, मेरा इश्यू ख़त्म होता है, बट आउट ऑफ डेट डेली जो है वो बिना किसी इश्यू के, बिना किसी दिक्कत के शुरू करते हैं। मेरा नाम है ध्वनित और आप देख रहे हैं मोटर अपडेट्स का ऑटो अपडेट्स डेली एपिसोड नंबर 38। तो दोस्तों न्यूज़ जो है ऑटो इंडस्ट्री की काफ़ी ज़्यादा है, बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं विथ न्यूज़ नंबर वन। न्यूज़ नंबर वन जो है स्टार्ट हो रही है स्कोडा की तरफ से। स्कोडा की जो ऑक्टाविया है वो उसका फर्स्ट यूनिट जो है वो आज रोल आउट हो चुका है, और ये रिवील भी हो चुकी है, और ये कुछ आपको अप्रैल के एंड में देखने को मिलने वाली है। इसमें आपको 2 लीटर वाला टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिलने वाला है। वैसे ज़्यादा कुछ स्पेसिफिकेशन बाहर नहीं आई है, आपको लॉन्च टाइमलाइन के पहले 2-3 दिन पहले आपको मैं सारी स्पेसिफिकेशन आपको बता दूंगा, या फिर लॉन्च के बाद ही आपको बताऊंगा। और इसकी डिलीवरी स्टार्ट होने वाली है कुछ मई महीने से, और आपको इसमें बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, सो वेट फॉर इट, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन भी बहुत जल्द मिलने वाली है। तो दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है वो है फॉक्सवैगन की तरफ से। फॉक्सवैगन की जो टाइगून है उसकी GT वेरिएंट जो है वो स्पॉट कर दी गई है। इसका मतलब हम क्या समझे, स्कोडा कुसाब की भी GT लाइन वेरिएंट आने वाली है, शायद आ सकते हैं मोंटे कार्लो वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाए। मैंने लीक दिए, वैसे कुछ भी पता नहीं है, बस लीक दिए। वैसे अगर हम बात करें तो इसमें वही सारे इंजन ऑप्शंस देखने को मिलने के एक्सपेक्टेड है कि कुसाक में जो आने वाले हैं वही देखने को मिल सकते हैं। बट GT लाइन वेरिएंट में कौन सी स्पेसिफिकेशन होने वाली वो अभी के लिए हमें नहीं पता है, क्योंकि ये तो सिर्फ अभी पहली बार स्पॉट हुई है, तो हम इसके बारे में क्या ही कह सकते हैं। तो दोस्तों यही थी न्यूज़। तो चले दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है वो है ट्रायम्फ की तरफ से। ट्रायम्फ की जो ट्रीडियंट जो है वो 660 वाली वो लॉन्च हो चुकी है, और इसकी स्पेसिफिकेशन एंड प्राइसिंग आ चुकी है। जो प्राइसिंग की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो प्राइसिंग रखी गई कुछ 6.95 लाख रुपीज़। आपको पता ही है कि ट्रायम्फ है और अच्छी बाइक्स बनाते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है उनकी, तो प्राइस भी अच्छी होने ही वाली है। वैसे इसमें अगर हम बात करें तो 660 का इंजन देखने को मिल जाता है, लिक्विड कूल 3 सिलेंडर वाला आपको देखने को मिल जाता है, और इसमें 6 स्पीड गेयरबॉक्स देखने को मिल जाता है विद 17 इंचेस एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी बढ़िया चीज़ है, आप चेकआउट कर सकते हो ट्रायम्फ के शोरूम में जाके, चेकआउट करो अगर आप इंटरेस्टेड हो। तो चले दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है वो है किया की तरफ से। किया की जो 7 सीटर सोनेट जो है वो टीज होना चालू हो चुकी है, और ऑफकोर्स आपको इसकी बहुत जल्द सब कुछ देखने को मिलने वाला है, मतलब 8 अप्रैल को ग्लोबली अनवील होने वाले हैं, तो वेट फॉर इट, इसकी स्पेसिफिकेशन मैं रिव्यू करके क्या ही करूँगा। सो अभी टीजी हुई है, स्पेसिफिकेशन आपको 8 अप्रैल को पता चले जाने वाले हैं। वैसे सेम इंजन ऑप्शन होने वाले हैं, सिर्फ आपको नया देखने को मिलने वाला है, वो सिर्फ है आपको 7 सीटर मिलने वाला है, 5 सीटर में। चले दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ भी किया की है। किया की जो MPV है, प्रीमियम MPV बोल सकते हैं, 10 से 15 लाख वाली, वो MPV पहली बार इंडियन रोड्स पे स्पॉट कर दी गई है, सो अच्छी चीज़ है। वैसे ये लॉन्च होगी शायद से 2022 के मिड में या फिर फर्स्ट हाफ में, सो अभी लॉन्च की देरी है इसलिए स्पेसिफिकेशन अभी के लिए कुछ ज़्यादा रिवील नहीं हुए। तो वैसे ये न्यूज सोर्स जो है वो रसलैन है, आपको रसलैन का लोगो दिख जाएगा, मैं फोटो जरूर से नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे कॉपीराइट नहीं चाहिए, इसलिए मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं। दोस्तों यही पे न्यूज खत्म होती है, और अभी आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अरे कहना क्या चाहते हो? तो दोस्तों न्यूज तो यहीं पे खत्म होती है, और आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है या नहीं किया, अगर नहीं किया है तो जाकर फॉलो कर लो, क्योंकि मैं वहाँ पे ऑटो अपडेट्स डेली की सबसे पहले पोस्ट डालता हूँ, IGTV रील्स न्यूज सब कुछ डालता रहता हूँ, स्टोरीज, तो वहाँ पे जो फॉलो कर लो अगर करना है तो कर लो, वरना ठीक है। वैसे मैं ट्विटर पे भी हूँ, तो ट्विटर पे भी मैं न्यूज ट्वीट प्लीज सब कुछ डालता हूँ, तो वहाँ पे भी फॉलो करना तो बनता ही। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और न्यूज अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है भाई, ये नहीं कर सकता मैं। दोस्तों ऑटो अपडेट डेली एपिसोड नंबर 38 यहीं पे खत्म होता है, हम आपको मिलेंगे ऑटो अपडेट डेली एपिसोड नंबर 39 के साथ, तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, खत्म, बाय बाय, टाटा,
गुड बाय।